देखो बच्चों, यहाँ पे ऊपर साइड में आज आपका लाइव 8 है। इसके पहले 7 क्लास आप देख लियो ना, 7 क्लास इसके पहले हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जाओ बच्चा, प्लेलिस्ट भी आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लाइव ख़त्म होने के बाद। सबको देख लो पूरा कंप्लीट, तब मज़ा आएगा, ठीक है। आज आपका जो चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट पार्ट, क्योंकि आज ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसे हिंदी में बोलेंगे बच्चा प्रश्नावली 1.5। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, या फिर आपका दिल्ली बोर्ड बोलें अगर तब भी, सभी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मतलब समझना है। मतलब समझने का मतलब जान रहे हो, सीखना है। ये बताओ कितने बच्चे किताब लिए हैं, सभी किताब लिए हो ना? हाँ, किताब सभी लिए हो ना? तो किताब में बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखो फट से। तो भाई पांचवा क्वेश्चन देखो सभी, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वही हैं, तो भैया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कमेंट कर पाएँ। हाँ चलो, तो ठीक है, हम थोड़ा सा और रुक जाओ एक मिनट, आप लोग शेयर करके आओ फिर हम शुरू करें। आप लोग सभी शेयर करके आओ फिर हम शुरू करें क्लास को। हाँ भाई देखो, 100 बच्चे हो जाएं तुरंत हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, 100 बच्चे से नीचे नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आती, दिल नहीं करता पढ़ाने का अगर 100 से कम हो गए तो। रश्मि ठीक है, 12 में पढ़ती हो आप, अच्छी बात है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, इसे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। हिंदी में इसे बोलते हैं हर का परमेयीकरण करना, क्या करना है, हर का परमेयीकरण करना, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलेंगे रेशनलाइजिंग द डेमोन, इसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ना, तो डेनोमिनेटर्स, ठीक है। ये नेशनलाइजिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे समझो आप ध्यान से। देखो आगे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले तो इसका मतलब समझो आप सभी, बुक का क्वेश्चन बाद में कर लेना। 1/√7 दिया है ना, इसमें क्या करना है, हरों का परमेयीकरण करना है। हरों का क्या करना है, परमेयीकरण, हरों का परमेयीकरण, देखो ऐसे तो लिखा है परमेयीकरण। इंग्लिश में इसे अभी मैंने बताया ना आपको क्या बोलते हैं, रेशनल लिखना है उसके बाद ing लगा देना है, रेशनलाइजिंग, ठीक है, लिखो रेशनलाइजिंग, ठीक है, ओके चलो इतना करो, इसमें ing लगा दो। ऐसे ही तो होगा ना भाई, इंग्लिश मिला लो थोड़ा सा, ing होगा, ओके। मतलब समझो कि हमें करना क्या है, बाकी स्पेलिंग वगैरह तो तुम लोग सही कर लोगे। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए हों कहीं भी, हमारा इसका मेन पर्पज यही होता है, मुख्य उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि हम हर में अंडर रूट का जो चिन्ह लगा है उसे किसी न किसी तरह से हटा दें, जिससे कि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। बस इसका एक ही उद्देश्य होता है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो बच्चों सबका उत्तर आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, देखो समझो इधर साइड में समझो। तो प्रिय बच्चों, ये हरों का परमेयीकरण या फिर रेशनलाइजिंग ऑफ डेनोमिनेटर्स जो होता है वो दोनों का मतलब एक ही होता है, जो नीचे हर है उतने से ही क्या करोगे, ऊपर गुणा करोगे, ऊपर नीचे, जैसे रूट सेवन है तो रूट सेवन से ही हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, बस। अंडर रूट सेवन का जब 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 ये 7 ही होगा, अंडर रूट के साथ में ही रहेगा। रूट सेवन का रूट सेवन में जब करेंगे बच्चों तो ये रूट 49 हो जाएगा, तुम्हें पता है।
और नीचे तक दिख पा रहा है क्या? मुझे थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा भाई। हरी ओम बच्चा पढ़ाई कर लो, तुम काहे मुंह बना रहे हो? हाँ, तुम्हें कौन सा दर्द हो रही है बोलो, क्यों दर्द हो रही तुम्हें? इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, उधर जगह नीचे कम है तो ये देखो 7 आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया, इसका मुख्य पर्पज यही था कि नीचे से आपको अंडर रूट हटा देना है। इस उत्तर में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है बच्चों। देखो मैं बता रहा हूँ, जो हमारा आंसर आया है ये ना, इससे हम फिर से क्वेश्चन ला सकते हैं। पता है कैसे ला सकते हैं? देखो समझो, इतना आया ना, 7 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ? 7 को हम भैया लिख सकते हैं अंडर रूट 7 × 7 की नहीं बोलो, लिख सकते हैं ना। और इससे हम इसको काट सकते हैं, 1/√7, ये फिर से आ जाएगा। तो प्रमेयीकरण करने का इतना ही मतलब होता है कि भैया आसमान नहीं, मतलब आसमान तक जाना तो है लेकिन लौट के फिर धरती पे आना है। अब प्रमेयीकरण करने का ये मतलब नहीं कि तुम ऐसा प्रमेयीकरण कर दो कि जो उत्तर आए उससे फिर क्वेश्चन आए ही ना। एक बात ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन का आप रेफनलाइजिंग करेंगे यानी प्रमेयीकरण करेंगे, उसमें जो आंसर आएगा उसको पकड़ के तुम फिर से क्वेश्चन ला सकते हो, तब सही है नहीं तो नहीं सही है। जैसे देखो ये आंसर आया था, इससे मैंने फिर से क्वेश्चन ला के आपको दिखा दिया। सबको समझ में आया? जल्दी बोलो यस, जिसको नहीं आया नो। सभी बच्चे बोलो। हर्षित, अनमोल राव, आपने बताया ही नहीं टेबल कहाँ तक याद करें। अनमोल बेटा, जहाँ तक तुम्हारा मन करे याद कर लो, कम से कम 20 तक, कम से कम 20 तक याद कर लो, ठीक है? अब चलो आगे देखो। अगर भाई हम आप लोग का सिर्फ कमेंट ही पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों, हाँ, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपको आगे भी पढ़ाया जाए, और इसलिए बहुत कम कमेंट पढ़ते हैं। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि हमें नहीं देख रहे हैं, हम हर एक बच्चे का कमेंट देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, लेकिन हमें आगे भी तो पढ़ाना है ना। अब मान लो 200 बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करें, कमेंट ही पढ़ें? सेकेंड पार्ट उतारो, चलो सेकेंड पार्ट उतारो। राजकुमार तिवारी, पूनम, देखो जो देर में आए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। रीट की क्लास PBR स्टडी एप्लीकेशन में है, उसमें जाके आप टेट वाला ज्वाइन करो, वो सबके लिए है। अगला, तो इसमें का सेकेंड पार्ट का है भाई, सेकेंड पार्ट है बच्चा इसमें 1/, सेकेंड पार्ट लिखो बच्चा, लिखो 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 राजा, लिखो लिखो, ये है ना। इसका क्या करना है? हर का परमेयीकरण करना है, हर का परमेयीकरण करना है। यार ये एक से एक नालायक हैं। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताओ, जानना क्या वो बताओ, क्लास चल रही ना अभी आपकी? सर ये पूछ रहे हैं कि अभी लाइव है क्या, लाइव पर आते कि नहीं? लाइव क्लास चल रही है, तुम्हें कितनी बार बताया जाए? इसके पहले सर ने तुम्हें बताया था 3 बार, तुम्हारा फोन उठाया था, फिर तुम कर रहे हो 8/12। सर ये पूछना था कितना अभी अभी कितना फीस हुआ है? फीस नहीं हुआ, यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, आके तुम भी देखो। एक से एक गधे हैं। 8 बार फोन किया था, ये महेंद्र सर ने भी बात किया था इससे, फिर भी कर रहा है, डंडा किया जब से पढ़ा रहा हूँ, 8 बार किया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये। वैभव शुक्ला भैया, एग्जाम्पल अभी मैं उसी में तो हूँ, अभी उसी में हूँ, ठीक है, उस टाइप का कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो समझो, वैभव जी कह रहे हैं कि उस टाइप का और क्वेश्चन दिया जाए। देखो जैसे ये इतना है ना, इसमें क्या करना है, हर का परमेयीकरण करना है। तो भैया पहले वो क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो, तुम पहले ये देख लो। हर का परमेयीकरण का मतलब ये है कि जो भी हमारे हर में दिया है, हर का मतलब जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है उसमें जो नंबर नीचे है, हाँ मतलब डेनोमिनेटर, जिसे इंग्लिश में रेफनलाइजिंग ऑफ डेनोमिनेटर्स बोलते हैं, ठीक है? तो समझो, तो जितना नीचे है अंडर रूट 3 है, इतने से ही ऊपर गुणा करोगे और फिर नीचे भी उतने से ही गुणा करोगे, बस यही तो करना होता है ना, यही करना होता है। अब क्या करोगे, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा कर दो। अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 में करोगे बच्चों, तो आपको पता है कि अंडर रूट 9 हो जाएगा,
भैया 9 का वर्गमूल निकालना, तुम सभी जानते हो बचपन में पढ़े थे, अब बुढ़ा रहे हो, देखो समझो। तो 3 का तो निकलेगा नहीं, 9 का निकलेगा, 3 हो जाएगा, ये उत्तर आ गया। समझ में आया मिस्टर वैभव? हाँ सचिन कुमार बेटा, तुम यूट्यूब का ढेर सारा लोगो नहीं लपेटोगे तब वो हम तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे, हाँ समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं मिलाओगे तब भी हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात। इसको छापो फटाफट, छापो, स्क्रीनशॉट ले लो। दक्ष गुप्ता जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बस आप ही का तो इंतज़ार था। चलिए तो सभी बच्चे जल्दी से भैया सेशन को लाइक करो, तुरंत देर ना करो, और बिल्कुल फ्री पढ़ने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, जल्दी करो। देखो जब हम सामने से हट जाते हैं क्वेश्चन करके, तो तुम ये मत सोचा करो कभी तुमको मनाएंगे, बेटा उतार लो राजा उतार लो, हाँ हम हटने के बाद में जब साइड हो तब तुम इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो हम इरेज करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। देखो अब इसको समझो, ये अलग टाइप का है, वो बेचारा अकेला था, ये जोड़ा में है, हाँ डबल है भाई, ये सिंगल नहीं है, तो इसमें कोई मुसीबत नहीं है। यहाँ पे समझो जो हर में दिया है √7 - √6 दिया है, तो हम इसी से गुणा करेंगे ऊपर √7 - √6 है ना। लेकिन ध्यान रहे नीचे अगर दो पदों के बीच में चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे तुम प्लस का लगाओगे, बस चिन्ह उल्टा रहेगा, बस इतना ही करना है। सबको समझ में आ रहा है ना? प्रियंका जी आ रहा समझ में? देखो समझो, तो बच्चा ये ऐसे कर लिया ना, इसमें किसी को कोई मुसीबत है तो बताओ, जल्दी बताओ, सबको समझ में आ रहा है, फटाफट बोलो। हाँ देखो शर्माओ नहीं, यहाँ तुम्हारी शादी ब्याह हो के गौने दुल्हन बन के नहीं आए हो कि घूंघट काट के आराम से शर्मा रहे हो, लजाओ नहीं, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आएगा तो बताया जाएगा, बोलो। कमेंट में हर किसी का देख रहा हूँ, बस बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि मैं बोलूँ, जब कुछ बोलने लायक करोगे तो बोलूँगा। चलो देखो एक चीज़ समझो, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट किया है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं सिर्फ वही कमेंट कर पाएंगे। तो बच्चा अगर तुमने नहीं सब्सक्राइब किया ना भैया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि तुम्हारा भी कमेंट आए, इन सभी सैकड़ों बच्चों में तुम भी शामिल हो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इस खेल को आगे बढ़ाते हैं, बस देखते जाओ आगे। चलो इसका मल्टीपल 1 में करोगे पूरा पूरा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो √7 + √6 उतना ही रहेगा। बच्चा ये देखो √7 - 6 है, √7 + 6 है, यहाँ पर अगर तुम सुनो और समझो तो ये a - b और a + b का फार्मूला तुम कभी पढ़े थे? बोलो कितने को आता है? आता है ना, हाँ ये सूत्र आता है ना भाई, थोड़ा सा उधर कट रहा है, हल्का सा मैं इसको इधर खिसका लेता हूँ, अबे इधर आ जा, काहे को कट गया उधर। देखो समझो ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है बचपन में, हाँ पढ़े हो ना, a + b पढ़े हो, तो ये होता है a² - b² बोलो होता है कि नहीं? हाँ शिवम सिंह होता ना बच्चा, हाँ चिराग होता है। तो अगर ये इतना होता है तो इसको हम a - b मान लें, इसको a + b मान लें, तो हम कह सकते हैं a² = √7 - b² = √6 देखो अगर ये भी तुम्हें नहीं आता है तो बच्चा तुम 0 लेवल वाली गणित पढ़ो, अभी अभी 0 लेवल वाली पढ़ो रात 9 बजे से। हाँ चलो ये हो गया। अब एक चीज़ समझो, √7 का जब स्क्वायर करोगे तो √49 आएगा, और √6 करोगे, या फिर तुम कुछ मत समझो, इतना जान लो किसी भी संख्या पर अगर वर्गमूल लगा है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, बस ये इसमें से भी हट जाएगा, इसमें से भी हट जाएगा, ये दोनों नंगे हो जाएंगे, हाँ समझ गए। और फिर फाइनल में नीचे दिख रहा है, आगे लिख सकता हूँ आगे, लेकिन मुझे रास्ता क्लियर करनी पड़ेगी। निशा यादव, निशा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलो मोहित सिंह आपको भी आ रहा है ना?
तो बच्चा ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, इसमें से घटाओगे तो 1 आएगा, चाहे तो 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, लिख लो। समझ में आ रहे? बंसी गुप्ता, राम राम बच्चा, राम राम। करण कुमार जो चल रहा है पहले उसे पढ़ लो बेटा, ज़्यादा तुम्हें खुजली ना हो। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं उसको तो नहीं पढ़ोगे? साइंस कब चलेगा, हिंदी कब चलेगा? हाँ, जैसे वो बताता नहीं हूँ मैं कहानी कि अगर कहीं कोई प्रयोजन पढ़ा है तो इनको बुलाया जाए ना, तो अगर पूरी सब्जी मिल रही थी कहेंगे कहो, पता करा चावल वावल आए कि ना, समझ रहे हो ना? ये होमवर्क है, जो मिल रहा है उसमें इनको संतोष नहीं है। नहीं, इनको अभी आगे का प्लान बताओ पूरा सब। जो बच्चे नहीं लिख पाए थे वो स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को थोड़ा बैक करके, ठीक है? जो नहीं लिख पाए थे वीडियो को थोड़ा बैक करें, उन्हें फिर से दिख जाएगा और उतार लें, ठीक है? आदित्य समझ में आ रहा है? इरशाद खान आ रहा ना बच्चा? नीरज मदेसिया जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, चलिए आगे समझिए। नितेश कुशवाहा बच्चा पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ लो तो तुमको हम पटक देंगे उठा के, झटक जाओगे जान लो। चलो आगे देखो, तीसरा पार्ट ईमानदारी से बताना कि कौन कौन कर लेगा, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना कितना बच्चा इसको कर लेगा भाई। हाँ, कबे नालायक, तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं आए हो का? देखो कुछ तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई वाला बिल्कुल कमेंट ही नहीं करते हैं। हेलो पूजा, कैसी हो, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, ऐसे लग रहा है कि इनको कुछ करना है नहीं लाइफ में, बस इनको यही करना है, मतलब इनका उद्देश्य यही है, ये पैदा इसीलिए हुए हैं। एटीआरआर लीजेंड FF, इनको वो नहीं मालूम कि इन्हें हम ब्लॉक कर दें तो ये गायब हो जाएंगे। हाँ, इनको लग रहा है कि बस मेरा ही सब कुछ है यहाँ पे। बेटा पठान खान पढ़ लो, नहीं तुम्हें हम अंदर कर देंगे, समझ रहे हो ना? पढ़ लो बस। देखो बीच बीच से मैं स्क्रीन छोड़ता रहता हूँ, हटता रहता हूँ, इसीलिए कि तुम्हें पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाए, दिखे और तुम छाप लो। चलो, तो इसको सभी बच्चे कर लेंगे, सभी कर लेंगे ना। अगला इसमें क्या है? अगला इसमें जो है वो भी ऐसे ही है। हाँ, अमित सिंह कर दें? अच्छा चलो ठीक है, कर ही देता हूँ, मेरा तो काम ही है करना। हाँ चलो, तुम छापो बस। दिव्यांशु पाल, सुमन, हर्षित कुमार, ठीक है बच्चा। देखो हमें क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन दिया है उसे वैसे ही लिखेंगे, इज्जत और मान सम्मान के साथ ये। इसके बाद जितना हर में दिया है हमें क्या करना है, रेफरेंसलाइजिंग करना है ना, उतने से ही ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, लेकिन ध्यान रहे चिन्ह अलग रहेगा। अगर उसमें चिन्ह प्लस लगा था तो इसमें चिन्ह माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है तो ये चिन्ह माइनस माइनस में रहेंगे, ठीक है बच्चा। अब नीचे दिख रहा है अभी एक लाइन और, चलो ऊपर का वन में मल्टीपल करोगे तो कोई इफेक्ट ना पड़ेगा वन में, इसको वन में करोगे तो इतना ही रहेगा, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लगाना, भूलना नहीं भैया। अभी अभी मैंने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, बोलो बन रहा है कि नहीं बच्चा, बन रहा है ना? अर्पित यादव, ठीक है कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, ये बन रहा है ना? तो अगर ये इतना बन रहा है तो बच्चा ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बस हो गई कहानी ख़त्म। इनको ला के हम इधर कर देते हैं हजम। देखो इन्हें ऐसे लिख लो, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। हमने अभी बताया था अगर किसी भी संख्या का वर्ग है उसका स्क्वायर है लेकिन उसमें अंडर रूट भी लगा है, वर्गमूल का चिन्ह भी लगा है, तो वो संख्या डायरेक्ट वैसे उतार ली जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है? तो फाइनल में हो जाएगा बच्चा ये इतना हो जाएगा। इसके नीचे चाहे तो 1 लिख लो, क्योंकि अरे यार ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। ओ ये देख रहे हो, सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे ये 3 आएगा क्योंकि ये घटेगा तो भाई 1 आता तो लिखते या ना लिखते, लेकिन इसको तो लिखना ही पड़ेगा। चलो छाप लो छाप लो इसको छाप लो छाप लो छाप लो। शिवम कुशवाहा, दीपेंद्र सिंह, पुष्पेश भैया, चैनल जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बाबू, फट से सब्सक्राइब कर लो, देर ना करो। जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करोगे ना, डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन आएगा और आप घर बैठे पढ़ पाओगे प्यार से। अगर आपके घर में 2 मोबाइल फ़ोन है तो हम यही कहेंगे कि आप दोनों में सब्सक्राइब कर लो। जितने ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उतनी बड़ी क्लास देंगे हम आपको, और उतनी बेहतरीन क्लास। साइंस की क्लास 15 जुलाई सुबह 7 बजे से होने वाली है, ठीक है? साइंस की क्लास 15 जुलाई सुबह 7 बजे, याद रखना सभी। हाँ सभी आओगे ना साइंस पढ़ने? सुबेरे 7 बजे उठ जाओगे कि नहीं? हाँ अरे मुंह धुल के आना, गोबर लगा के नहीं, सुबह उठ जाना 6 बजे, तभी तो 7 बजे पढ़ोगे। ये नहीं कि मम्मी आके 2 लात मारे तब उठो। हाँ अपने से उठ जाना 7 बजे। चलो ठीक है, ओके है, सब कुछ ओके है। तो ये हो गया, इसको मिटा दे। देखो इसमें एक थी बचा है, इसको खुद से कर लेना। आजाद अहमद बेटा जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो पहले बाबू। हाँ जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको पढ़ लो तुम। चलो अब एक बात बताओ, इसमें से कितने बच्चों की किताब में ये क्वेश्चन मिल रहा था? जिसके में मिल रहा था वो बोले हाँ, जिसके में नहीं मिल रहा था वो बोले ना। जल्दी बोलो फटाफट, उसके बाद फिर हम आगे तुम्हें कुछ नया देते हैं। चलो कितने बच्चों की किताब में ये क्वेश्चन मिल रहा था सीधा सीधा? हाँ बताओ बताओ फटाफट बताओ 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 बताओ। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ मतलब एच ए लिख देना, एच ए, एच फार हैन, ए मतलब एप्पल, ना मतलब एन फार नानी और ए फार एप्पल। चलो तो जो बच्चे एनसीईआरटी बुक लिए हैं उनके में मिलेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड सबके में मिलेगा ये क्वेश्चन। अंतर इतना होगा कि सीबीएसई वालों के बुक में इंग्लिश में लिखा होगा, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं मुख्य वर्ड जो है ना उनको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, तो आप मतलब तो समझ ही जाओगे। हिंदी में हो या इंग्लिश में भी हो समझ जाओगे। देखो बच्चा एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी। अगर तुम परमेयीकरण करना सीख गए ना तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाली बुक में तुम्हें कोई दूसरा रूल बताएगा। नियम सीखो बस, ये मत सोचो कि हमारे बुक में नहीं है, तुम्हारे में आगे मिलेगा चल के। मान लो 1.5 में नहीं, तुम्हारे में 5B में होगा या 2C में होगा, कहीं होगा, लेकिन है तुम्हारी किताब में। क्योंकि पूरे देश में चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, कहीं से हो, कोर्स जो सिलेबस है 9th-10th का एनसीईआरटी ही होता है, ठीक है? एनसीईआरटी होता है, जो अपना राज्य वाली एनसीईआरटी लगवाते हैं उनमें भी पैटर्न वही होता है, बस थोड़ा मोड़ा घाचा पाचा करते हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए, समझ रहे हो ना? हाँ इतना ही होता है। चलो आगे, तो ये आपका 1.5 ख़त्म हो गया बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म हो गया। अब आप लोग खोलो एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 खोलो सभी बच्चे फटाफट। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दें कि घातांक का नियम पढ़ाएं? हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दें कि घातांक का नियम पढ़ाएं? देखो यहाँ पे कुछ चीज़ समझना ज़रूरी है। अबे काहे को भाग गया भाई, भाई थोड़ा सा रुक जाओ, मार्कर इसके नीचे घुस गया ये। अबे निकल जा भैया, निकल जा बाबू, ये गिर गया नीचे इसके टेबल के। देखो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालो घातांक के नियम। घातांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हो? एक्सपोनेंट बोलते हैं क्या? हाँ इनके रूल हैं यहाँ पे समझ लो, हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में सबके काम का है। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ नियम आपको हम बताएंगे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, समझो। जैसे अगर कोई भी 2 घातांक वाले पद हैं जिनके क्या कर रहे हैं, उनका गुणा कर रहे हैं, अगर आधार समान है, हाँ जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n, तो आधार समान होने पर गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं,
ठीक है, और अगर आधार समान है और इनका भाग हो रहा बच्चा, तो ऐसी स्थिति में भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ये बात तुम बहुत ही ध्यान से समझ लो, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं केवल पावर के बारे में भी बात कर रहा हूँ, आप समझो। ये हो गया, इसके अलावा एक और होता है प्रिय बच्चा, अगर ए का पावर यम है और इंटू बी का पावर यम है, मतलब समझो घातें इक्वल हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में आधार आपस में एक में हो जाते हैं, घात बहरे लग जाती है। हाँ, समझ गया ना। बस कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो तुम्हारे काम का है, बाकी मैं ज़्यादा बिना मतलब का बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। एक बात और बता दें, इन सभी बातों को आप डिटेल में देखने के लिए PBR स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन में जा करके तुम बिल्कुल बड़े ही प्यार से सारी क्लास देख सकते हो। अगर ये यहाँ पर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इन्हें छाप लो, अभी आगे क्वेश्चन में आएंगे, फिर तुम्हें को बुझाएगा नहीं। जो इसको नहीं लिख रहे ना, अभी आगे क्वेश्चन में आएंगे, फिर तुम्हें समझ में ना आएगा, एक याद रखना। हाँ, चलो यहाँ देखो, अगला देखो बच्चा, चौथा, चौथा देखो। जैसे ये है 1/a^-1 का यम, तो ये हो जाता है 1/m। यहाँ से तुम्हें ये समझ में आएगा कि अगर किसी भी नंबर में इस तरह से दिया है जिसमें घात माइनस में लगी है, तो वो बराबर करोगे तो घात जो है प्लस हो जाएगी। और एक बात और समझ लो, क्योंकि मुझे समझाना है, अगर 1/ यहाँ पर n है जो कि माइनस में है, ध्यान देना, क्या ये माइनस में है? ये क्या थी, माइनस में थी ना। एक मिनट रुको जा भाई, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जा, एक मिनट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर 1^-n है, तो इसे हम 1/1/n ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये घातांक के कुछ मोटे मोटे नियम हैं जो अभी आपको काम देंगे आगे। मिसलब बेटा, तुम्हें ब्लॉक कर दें, क्या चाहते हो तुम, हाँ क्या चाहते हो, तुम्हें ब्लॉक कर दें? देखो 15 सेकंड का टाइम दिया हूँ, तब ये डंडा कर रहे हैं, मैं इनको क्या बोलूँ भाई। 15 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ एक एक को। चलें आगे बढ़ें, इतना लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ, जल्दी करो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चल भाई, चल चल चल, जल्दी बताओ, हो गया? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं भाई, मैं पोज में खड़ा हूँ, अच्छे से मेरा भी स्क्रीनशॉट लेना, तुम लोग बड़े गधे हो, जाने दो, नहीं करूँगा। अब चलो, हो गया, इसको मिटाता हूँ। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर, जो लिख लिए समझ लिए अच्छी बात है, और जो नहीं लिखे उनकी काली माई मालिक है। अब चलो, हाँ अब मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ। देखो, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर उसका कंसेप्ट आप सीख गए ना, तो आप सब कर ले जाओगे। और जो क्वेश्चन और किताब में मिलाने के चक्कर में हैरान हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बच्चा नियम सीख लो, नियम सीख लोगे तो तुम्हारी किताब में सब मिलेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं काम देगा आगे। लेकिन अगर तुम सोचो कि हमारी किताबिया में तो 1.6 में कुछ और दिया है, हाँ ये तो कुछ और बता रहे हैं, तो फिर तुम नहीं पढ़ पाओगे, फिर तुम ढूंढो आराम से। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पर देखोगे तो भाई बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लेखक हैं, तो सब पढ़ा पाना आसान नहीं है। लेकिन एक पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, अगर हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो तुम सिलेबस सीखो बस, समझ रहे हो ना। अब संख्या पद्धति क्या है, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है कक्षा 9 का, मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के बारे में अगर तुम्हें नॉलेज हो जाएगी, तो तुम किसी भी किताब से पढ़ो, सब में से मैच करेगा। हाँ, समझ रहे हो ना। चलो, जितने भी छात्र अभी सेशन को लाइक नहीं किए, बच्चा तुरंत लाइक करो, तभी बताऊंगा आगे। अब चलो जल्दी करो भाई, ऐसे मज़ा नहीं आती, बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, तुरंत करो, देर नहीं, एक भी मिनट देर ना करो, फटाफट लाइक करो तुरंत।
और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करे वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो काफ़ी छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। भाई तुम्हारी तड़प मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो तब कमेंट कर पाओगे, चैनल सब्सक्राइब कर लो फिर कमेंट कर पाओगे। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? 64 का पावर 1/2, इसकी खोपड़ी पर 1/2 लगा है, समझो। अभी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कौन नहीं कर रहा है, बच्चा कल की क्लास में नहीं जुड़ पाओगे, याद रखना। समझ रहे हो ना? तो फटाफट जल्दी करो, देर ना करो। हाँ तो ठीक है, सब कुछ आगे बढ़े चलें। मस्त चल रहा ना सब कुछ? चलो देखो, ये नया चैप्टर है बच्चों, मैं तो बोल रहा था कि फटाफट सभी लाइक करते मैं आगे बढ़ता। और एक बात याद रखना, क्लास पढ़ने के बाद में, अभी अगर पढ़ रहे हो तो, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, हर जगह इंस्टाग्राम में लिंक को ज़रूर शेयर करना क्लास की, जिससे कि हर कोई पढ़ सके और हम आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ा सके। यूट्यूब पे कोई कोचिंग नहीं करना, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, घर बैठे पढ़ना, सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करना है, मज़ा भी लेना है, चैटिंग भी करना है, बात भी करना है, सब कुछ करना है, साथ में पढ़ाई भी करना है। मम्मी पापा का मोबाइल मांग के लाए हो तो भैया पढ़ने के बाद दे देना, नहीं लात भी खाओगे फ्री में। हाँ चलो, बेटा जीन पाउल, तुम्हारा बिना सब्सक्राइब के कमेंट ही नहीं आता। वो तो मुझे पता है। चलो तो अब इसको हल करना है, कैसे करेंगे यहाँ से समझो। विशाल प्रजापति, ठीक है, 64 है ना, ये बताओ मुझे, ये चीज़ जानते हो ना कि नहीं तुम? सभी जानते हो फैक्टर करना, गुणनखंड करना सभी जानते हो? हाँ गुणनखंड करना सभी जानते हो ना बच्चा, कि नहीं जानते हो? बताओ, जानते हो ना? हाँ चलो ठीक है, फटाफट चलो। चलो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ भाई। चलो हम फिर से आ गए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, पानी वाले आए हुए थे और कोई आज है नहीं, सब गए हैं घर और आ जाएंगे सब, लेकिन मुझे तो सब कुछ झेलना है ना यहाँ पे। चलो 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 चलो, देखो 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 बच्चा, तो ये तुम्हें मालूम है कितनी बार आया? 6 बार। कितनी बार आया? 6 बार। तो हम लिख सकते हैं 64 को 2 का घात 6। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं ना? यहाँ पर माउस पकड़ने जा रहे हैं, बड़ा गधा है यार तू। देखो ये क्या हो गया, 1/2। तो बच्चा इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 और इसकी घात 6 और ये 1/2। यहाँ पे समझो, हाँ ये घातों घातों की आपस में लड़ाई होगी, ये कट जाएगा, फाइनल में आएगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा? 8 होता है। कितना आएगा आंसर? 8 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? जल्दी बोलो यस यस यस, सभी को आया? चलो फटाफट बोलो। चलो तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसमें का हो गया बच्चा, इसमें का सेकंड पार्ट देख लो राजा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 32 इसकी पावर 1/5। इसको समझो, एक बात बताओ, अगर 32 का गुणनखंड करें जैसे 64 का करे थे, ये करे थे ना, इसमें 6 बार 2 आया था, तो 32 में कितनी बार 2 आएगा भाई? 32 में कितनी बार आएगा? देखो समझो, यहाँ पे समझो, ये जो दांत निकाल रहे हैं ना बेटा, मंजन उंजन कर लिया करो, हाँ दांत में तो लगाया हुआ है, तो तुम निकाले जा रहे हो बड़ा बड़ा। हाँ चलो सेकेंड पार्ट देखो,
देखो मैं इधर उधर जब डोलता हूँ ना, तुम छाप लिया करो फटाफट। रंजू देवी, लग रहा है मुँह धुली हो आज, हाँ, क्योंकि तुम्हारा भी दांत बाहर निकल रहा है। मुँह धुल लिया करो कभी कभी गर्मी में, नहा लिया करो संडे संडे। हाँ देखो यहाँ पे समझो, 2 का घात ये 5 हो जाएगा। अब मैं नहीं बताऊँगा काहे हो जाएगा। बच्चा देखो, अगर तुम 32 से ले लो, बाकी मिटा दो, ये हमें 32 का ही करना था। तो कितनी बार, 5 बार हुआ ना, हाँ 5 बार हुआ, सिंपल सा है। और ये 1/5, ठीक है। अब देखो समझो भाई, सिंपल सा है, 2 ऐसे ही लिख लोगे और ये 5 ऐसे ही रहेगा इसकी खोपड़ी पे, हाँ खोपड़ी पे चढ़ा रहेगा, इनटू ये 1/5, याद रखना 1/5 ऐसे लिखना, हाँ 5 से 5 कट जाएगा। फाइनल में कितना आएगा, 2 का घात 1 आएगा। मैं चाहे लगाऊँ चाहे ना लगाऊँ, मेरा मन 2 उत्तर आएगा। अरे ये आंसर वाला ए लिखा हूँ, नहीं तो तुम कुछ और समझ रहे हो। कितना आएगा, 2। चिराग आ रहा समझ में? समीक्षा कुमारी, रवीश रंजन, ललित, पब्ज, लाइट स्टीमर, दीक्षा, सबको समझ में आया? छाप लो छाप लो छाप लो जल्दी जल्दी से। अरे कम से कम कुछ ना करो तो छापा तो करो तेज़ी से। चलो निशा यादव आ रहा समझ में? आशीष कुमार, सबको समझ में आ रहा बच्चा? चलो देखो एक बात मैं बार बार बताता हूँ, ये क्लास शाम को 7 बजे से रोज़ होती है, बिल्कुल फ्री होती है। अपने सभी दोस्तों को बता दो कि पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया जाएगा, लेकिन तुम क्या करोगे, सभी दोस्तों के साथ आओगे, सबको लेके आओगे, सबको शेयर करके, अपने घर में जितनी मोबाइल है ना, लड़ाई झगड़ा करके, नोट खचोट के लौट जाया करो, मिट्टी उट्टी में, खोपड़ी में गोबर लगा लिया करो, नहीं मुझे सारी मोबाइल चाहिए जितनी घर में है, सब में चलाया करो वीडियो, समझ रहे हो ना, सारी मोबाइल में एक साथ वीडियो चलना चाहिए। और उसके बाद फिर जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे ना, उतना ही बेहतरीन क्लास आपकी हम चलाएंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। चलो तो ये अभी तक 2 पार्ट हुआ ना, तीसरा पार्ट का आंसर अब तुम सब बताओगे एक एक, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। 125 इसकी घात है बच्चा 1/3, क्या है 1/3। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। प्रीति सिंह बोल रही, मेरा बीएफ भी देख रहा है। काफ़ी समझदार हो आप लोग, काफ़ी प्रोग्रेस कर लियो, हम ही लोग पीछे निकल गए थे भाई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बीएफ जीएफ सब लोग देखो, हाँ बस लात खाने से बचे रहना घर वालों से, बाकी सब ठीक है, कहीं तुम्हारे पापा ना देख रहे हो। चलो ये हो गया। अब देखो इसका आंसर मैंने पूछा, कोई बताया? अब है मोदी भाई, मोदी जी आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, जय हो। पूजा, संकेत, जितेंद्र, विशाल, नीतीश भाई, ठीक है। चलो तो बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि इसका आंसर 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो हाँ 5 आएगा, ठीक है, सही है। ये बच्चा इसमें का सेकंड वाला है, नहीं पहले वाला है, तो इसको कर लोगे कि बताऊं? कौन कौन चाहता है कि मैं बताऊं? जो जो चाहता है कि मैं इसको बताऊं वो बोले हाँ, बताऊं कि ना बताऊं? बताऊं कि ना बताऊं, क्या कह रहे हो? चलो देखो बच्चा, यहाँ से समझो, इसको भी वैसे करना है सिंपल सा। 125 को हम लिख सकते हैं क्या भाई? इसकी घात 3 लगी है, हाँ सही है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3, बोलो लिख सकते हैं ना? और बच्चा इसकी घात जो खोपड़ी पे 1/3 लगी थी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये वैसे ही रहेगी। फाइनल में जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये घात 3 और ये 1/3 ऐसे हो जाएगा, इसका 3 से 3 कट जाएगा, बराबर 5 की घात 1 आएगा, और मैं 5 की घात 1 लिखता नहीं हूँ, उससे कोई मतलब है नहीं, तो 5 आएगा। समझ गए ना, सबको समझ में आया? एकता भारती आया समझ में? निप्पू तुमको भी आ गया ना? ऋतिक, नीरज, चलो तो ये आपके हो गए, पहला का सारा पार्ट हो गया। दूसरकना का शुरू करें, हम सब लगवा देंगे, एक एक पार्ट लगवा देंगे, तुम छाप लो सब। लेकिन सैटरडे को टेस्ट होगा,
अगर टेस्ट में ना बता पाए तो फिर क्या करेंगे जानते हो? सैटरडे को टेस्ट होगा, याद रखना, हर सैटरडे टेस्ट होता है, एवरी सैटरडे, प्रत्येक सैटरडे टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला पार्ट आ जाओ। एक्सरसाइज 1.6 प्रश्नावली 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 9^2/3 इसका आंसर कितना आएगा? हाँ जल्दी बताओ, सभी बच्चे देर ना करो भाई, 5 घंटा मत लगाया करो यार, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आती जान लो। अगर तुम लोग क्लास को फटाफट लाइक करो ना, ज़्यादा बच्चे आ जाएं, अभी 200 बच्चे प्लस हो जाए ना, देखो हम इस क्लास को आज पार कर देंगे, पूरा 9 बजे तक पढ़ा दें। फटाफट एक बार काम करो, आप लोग एक बार शेयर करके आओ जो नए नए साथी आए हैं, तो आज मेरा मन है चला दूँ 9 बजे तक 2.5 घंटा पढ़ा दूँ, हाँ पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाए, 1 वाला 2 वाला शुरू कर दें, सही रहेगा ना? देखो जितना मैथ पढ़ोगे उतना आएगी, याद रखना, जितना पढ़ोगे। एकदम परेशान कर दिया मुझे। बोलो चल रहा है ना? हाँ क्या बताऊँ यार, ये इंटरनेट वाले ना बीच बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, सारा दिमाग चाट लेते हैं। बोलो चल रहा है ना? सारा दिमाग खराब कर देते हैं। चेतन आनंद ठीक है चल गया, देखो 200 के लगभग पहुँच गए थे सब बच्चे, लेकिन सारा मूड खराब कर दिया, मतलब एकदम दिमाग डिस्टर्ब कर दिया इंटरनेट, इसको मैं आज हटाता हूँ। ये रेल वायर का इंटरनेट है, कोई मत लगवाना, मैं ये बोल रहा हूँ। रेल वायर का वाईफाई है, कोई भी मत लगवाना, ये ब्रॉडबैंड बड़ा घटिया है, बीच बीच में डिस्टर्ब कर देता भाई, और कई दिन किया ये। चलो क्या बताऊँ, बच्चे तो ढेर सारे भाग गए, कहाँ गए भाई? हाँ बोलता हूँ कि थोड़ा सा अगर इंटरनेट गड़बड़ करता है तो मत जाया करो, मत जाया करो, फिर भी निकल लिए। चलो ठीक है मैं इसको बता देता हूँ, जाओ जिसको पढ़ना है पढ़ लो। देखो बच्चा 9 × 2/3 है ना, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3^2, क्यों? 3×3=9 होता है ना, लिख सकते हैं ना। और बाहर से क्या है 2/3, बाहर से क्या है 2/3, तो फाइनल में बच्चों क्या हो जाएगा ये भाई? मुझे तो नहीं लग रहा है कटेगा ही नहीं। हाँ यही था क्वेश्चन, कुछ और था, 3/2 था, ओ ये उल्टा है, ये 3/2 था भाई, तभी तो मैं सोचा 3/2 है, इसको लिखो। ठीक है तो फाइनल में हम इसे लिख सकते हैं 3^2, और ब्रेकेट के बाहर वाला जो 3/2 है, ऐसे ये 2 से 2 कट जाएगा, 3^3, 3×3=9, 3×27 इसका आंसर आएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रंजू देवी आ रहा समझ में, ललित मिश्रा, नीतीश भाई, सबको समझ में आ रहा है? यार ये इंटरनेट ना बहुत दिमाग चाट लेता बीच बीच में साला, मतलब चला जाता है एक बार ना, खोपड़ी ख़राब कर देता। देखो फिर आ गया, मतलब अभी चला गया था फिर से आ गया, सारी अपनी मतलब एक्टिविटी दिखा के फिर आया। चलो देखो समझो, थोड़ा बहुत फंस रहा होगा वीडियो, तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को, लिख लो भैया इसका दूसरा पार्ट लिख लो। मर रहा है ये, सारा डिस्टर्ब कर दिया दिमाग, अब इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा आज, नेटवर्क की इशू है ना। मर रहा है ये, सारा डिस्टर्ब कर दिया दिमाग। चलो ठीक है अब रात के 9 बजे से अगली क्लास होगी, आना आप सभी। हाँ 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 चले जाओ, बिगड़ जाओ ना तुम, ख़त्म हो जाओ। रात के 9 बजे अगली क्लास होगी, सभी बच्चे जल्दी से अपना नाम बताओ फटाफट, कौन कौन कहाँ से देख रहा है, तो मेरी आवाज़ सही आ रही ना, क्लियर है? थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना ये। रात के 9 बजे अगली क्लास होगी, सभी बच्चे जल्दी से अपना नाम बताओ फटाफट, कौन कौन कहाँ से देख रहा है। अब रात के 9 बजे पढ़ाएंगे, रात के 9 बजे बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से जिनको भी पढ़ना है। शाम को 7 बजे से 7:45 तक क्लास होती है, टाइम ओवर हो गया है, 7:45 तक होती है, 7:45 से ज़्यादा हो रहा है तो हम शाम को 7:45 तक पढ़ाते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना आप लोग? दिलीप कुमार
मीनाक्षी साहू सपना, आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होती है। राजा यादव ठीक है, कमेंट आ रहा है। यशराज, विशाल, तेज सिंह, प्रियंका, विजय, मुरली, संजीत, सभी का कमेंट आ रहा है। बच्चों फिर रात के 9 बजे से फिर से आना, बेसिक मैथ से पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपके घर में कोई आपके भाई बहन या भैया भाभी हैं जो नहीं मैथ जानते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रात के 9 बजे वाली क्लास जरूर दिखाना। मैथ आएगी नहीं, दौड़ेगी, सर पर दौड़ेगी, बिल्कुल गारंटी के साथ सिखाते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रात 9 बजे से, ठीक है। अगर आपका मैथ वीक है, कमज़ोर है, कक्षा 8वीं की 7वीं की मैथ आपको नहीं आती ना, तो रात 9 बजे आना आप भी, ठीक है, सभी आना। चलो तो ये सेशन यहीं पर बंद करते हैं बच्चों, आज का टाइम ओवर हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। सभी बच्चे इस सेशन को शेयर करके जाना अपने दोस्तों में, हाँ फटाफट शेयर कर दो, तुरंत देर ना करो, शेयर कर देना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। करीना यादव ठीक है, आपका कमेंट आ रहा है। जितेंद्र भाई गाजीपुर से हैं, ठीक है जितेंद्र जी। कुसुम मीना राजस्थान से, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंचिता दुबे आपका भी कमेंट आ रहा है, ठीक है। सीतामढ़ी बिहार से हैं भाई रंगोली कुमारी, यूपी गाजीपुर से जितेंद्र हैं, और औरैया से हैं रेणु गौतम, लीजेंड जी ये करण पाल इनका नाम है, ठीक है। तो बंद करें कि नहीं, क्या कह रहे हो आप लोग, बंद करें कि नहीं, ना मन कर रहा हो तो ना बंद करें, चलो ना बंद करें। पीयूष यूपी से हो, ठीक है। संकेत कुमार भाई बिहार से हैं। खुशी कमेंट आ रहा है आपका, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो फिर बंद करते हैं बच्चों, रात के 9 बजे से फिर से आना, जिनको बेसिक सीखना है, बाकी जिनको 9 का पढ़ना है, क्लास 9th का चैनल सब्सक्राइब कर लो। एक चीज़ और सुन लो, वो क्या है, क्लास की लिंक जिनको नहीं मिलती ना, वो PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनने के बाद में उस पर सर्च करें लिख के PVR स्टडी, उसमें लगभग 1678 या 80 अभी प्रेजेंट टाइम में सब्सक्राइबर हैं, मतलब टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर की बात बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है। इसमें सारी क्लास की लिंक भेजी जाती है, जैसे मान लो कि आज तुम क्लास नहीं देख पाए, परसों नहीं देख पाए, कल नहीं देख पाए, तो तुम 10 दिन बाद आओगे ना, तो सारी लिंक इसमें मिल जाएंगी, तुम्हें भेजी रहेंगी, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम क्या है, ज़्यादा जानकारी के लिए इसे यूट्यूब पर सर्च कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम क्या है सर्च कर लो, मिल जाएगा, नहीं तो नीचे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आप देखो स्क्रीन पे, संपर्क करना, अलग से भी हेल्प की जाएगी, ठीक है। चलो फिर बंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।